Okay, so we will continue with the ionic equilibrium topic. In ionic equilibrium, we had seen Ostwald's dilution formula. And this dilution formula gives a relationship between degree of dissociation, that is alpha, and dissociation constant of weak acid or weak base, that is Ka and Kb. Those formula which we had seen earlier, let us write one by one. The first formula we get is Ka is equal to alpha square C. Ka is dissociation constant of weak acid. Alpha is degree of dissociation and C is the concentration. We can modify this equation. Alpha is equal to under root Ka by C. So with this formula we can find out degree of dissociation constant, formula number one, and formula number two will help us in finding degree of dissociation. This is for weak acid. Similarly, we can have for weak base, Kb is equal to alpha square C. इसी को आप modify करें अभी. What we get? Alpha is equal to under root Kb by C. Here Kb is what? The dissociation constant for weak base. And alpha, as we know, is degree of dissociation, and C is the dissociation constant. C is the concentration. Let us take the first numerical. 0.01 molar acetic acid solution is 1.2% dissociated. Calculate the dissociation constant. अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है अपना, कि जो भी पहले गिवन डेटा है उसको लिखेंगे. देन वी विल राइट व्हाट इज द फॉर्मूला नेसेसरी फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. सो व्हाट हैज बीन गिवन, 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. Molarity is concentration. So C is equal to 0.01 molar. This can be modified as 1 into 10 raised to minus 2 molar. 1 into 10 raised to minus 2. Now the solution is 1.2% dissociated. So iska degree of dissociation kitna hoga? 1.2%. When we say 1.2% means it is out of 100. तो ये out of 100 हो गया. Out of 100 को हम ये simplify क्या कर ले, 1.2 into 10 raised to minus 2. This is degree of dissociation. 1.2 upon 100. 100 यानी 10 raised to 2. ऊपर गया तो 10 raised to माइनस टू. सो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आ गई और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई. नाउ कैलकुलेट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. दिस इज एन एसिड. डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज के ए. तो हमें के ए फाइंड आउट करना है. अब के ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास में है. के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी. यानी ये अल्फा का स्क्वायर लेने का और सी से मल्टीप्लाई कर देना. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है. के ए इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू सी. सी कितना है, 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. अब हम 1.2 का स्क्वायर ले सकते हैं, उससे ज्यादा सिंपल होगा 12 का स्क्वायर. तो इसको ऐसा लिखते हैं, 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 3
होल स्क्वायर इनटू वन नहीं लिखा अब तो चलेगा, 10^-2। अब 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10^-6 इंटू 10^-2 दिख रहा है आप सभी को के ए, करेक्ट। सो देयर फोर के ए इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा, -6 - 2 = -8। सो 144 इंटू 10^-8 और 1.44 इंटू 10^-6 इज द आंसर फॉर दिस न्यूमरिकल। 1.44 इंटू 10^-6 इज द फाइनल आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट न्यूमरिकल इजी है तो पहले न्यूमरिकल को रीड करो। गिवन क्या क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर फॉर्मूला टू बी यूज्ड और फाइनली वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। ये कैलकुलेशन तो हमें जम जाएंगे मैथमेटिकल। सेकेंड न्यूमरिकल देखते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनो एसिडिक बेस। अब कुछ स्टूडेंट को ये एक टर्म नया आ रही है, मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस यानी अ बेस विच कैन न्यूट्रलाइज अ मोनो एसिड मींस विच प्रोवाइड ओनली वन H+ आयन, है ना। तो मोनो एसिडिक बेस, तो बेस विच न्यूट्रलाइजेस अ मोनो एसिड। मोनो एसिड मींस विच गिव्स ओनली वन H+ आयन। डायबेसिक एसिड, डाई एसिडिक मींस विच गिव्स 2H+ आयन। कमिंग बैक टू, फिर से समझाते हैं, मोनो एसिडिक बेस, अ बेस विच प्रोवाइड, अ बेस मोनो एसिडिक बेस विच प्रोवाइड ओनली वन OH नेगेटिव आयन, है ना। तो अब ये टर्म समझी क्या, मैंने पहले क्या समझाया आपको, मोनो एसिडिक मींस विच गिव्स 1H+ आयन, डाई एसिडिक विच गिव्स 2H+ आयन। अब हम बेस कौन सी ले रहे हैं, मोनो एसिडिक बेस, तो हमें ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेस का दिया हुआ है, वो बेस जो एक मोनो एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले। तो वीक बेस लेना होगा हमें, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वीक का निकालते हैं। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ मोनो एसिडिक बेस। तो कमिंग बैक टू न्यूमरिकल, क्या क्या गिवन है, मोनो एसिडिक बेस समझ गया हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनो एसिडिक बेस इज दिस मच। तो गिवन मोनो एसिडिक बेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 0.0232, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो 2 पॉइंट के बदले 23.2 इंटू 10^-3। कैसे जा रहे हैं हम, 3 प्लेसेस राइट में जा रहे हैं, 1, 2, 3, तो राइट में नंबर बढ़ रहा है वो, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। अल्फा हो गया इन 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो 0.5 मोलर ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब 0.5 को भी हम 5 × 10^-1 मोलर लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये किसका है बेटा, ये मोनो एसिडिक बेस, तो वो बेस जो एक मोनो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। तो केबी हमें फाइंड आउट करना है। अब केबी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास में फिर से है, अल्फा स्क्वायर सी केबी फाइंड आउट करने का है। तो केबी जब फाइंड आउट करेंगे तो केबी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार देख लो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनो एसिडिक बेस
यानी वो बेस जो एक मोनो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, इज 0.0232। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज 23.5 × 10⁻³। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.32 × 10⁻²। ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, है ना। तो इन 0.5 मोलर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.5, दैट कैन बी रिटन एज 5 × 10⁻²। फाइंड आउट क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका करना है, बेस का। तो केबी, केबी का फॉर्मूला मिला अल्फा स्क्वायर सी। अब केबी इज इक्वल टू अल्फा की क्या वैल्यू है अपने पास में, 23 × 10⁻³ होल स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर सी। सी की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻²। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा, 23.2 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू ये कितना है, -6 और -1 यानी -7। अब 23.2 का स्क्वायर हमको देखना है, 23 का होल स्क्वायर अगर देखेंगे हम, या अगर हम इसको 2.3 रखे तो ज्यादा इजी हो जाएगा स्क्वायर देखना, 2.32, सो 2.32 का होल स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग टू बी 5.3824 × 5 × 10⁻³। अब ये -3 नहीं लिखेंगे बेटा हम, या -2 करना पड़ेगा हमें, -2 कर दिया तो 4 and 1 5 हो जाएगा। हमने चेंज कर दिया ना डेसिमल -3 से, वो -2 होगा। हमने दोनों भी लिख के रखा है यहाँ पर, इसीलिए है ना कि 2.32 × 10⁻², तो -4 and 1 -5, 10⁻⁵। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो केबी मिल जाएगा आपको। ये केबी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा, अब 5 × 5 = 25 और ये 3 है तो 26 तो आना ही चाहिए, 26.91 × 10⁻⁵। और केबी इज इक्वल टू 2.691 × 10⁻⁴। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। तो दोनों न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट वैसे ही है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो के ए एसिड के लिए लगा और के बी बेस के लिए लगा, तो सेम न्यूमेरिकल हो गए। नाउ विल टेक द थर्ड न्यूमेरिकल हियर, 0.01 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्वड इन 8 dm³। कितने dm³ लिया है, 8 dm³ ऑफ वॉटर। Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 4 × 10⁻¹० कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए फिर से इसमें गिवन लिखते हैं यहां पर, व्हाट हैज बीन गिवन टू अस, द गिवन डेटा, द गिवन डेटा इज, हाँ जी ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, 0.01 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्वड इन 8 dm³ ऑफ वाटर। तो 0.01 इज डिसॉल्वड इन 8 dm³, दैट विल गिव कॉन्सेंट्रेशन। इसको थोड़ा समझेंगे एक बार फिर से, है ना, इतने नंबर ऑफ मोल्स इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है तो वो हमें क्या देगा, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। यहाँ डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो फिर से एक बार 0.01 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितने इसमें वॉल्यूम में डिसॉल्व कर रहे हैं, 8 dm³ ऑफ वाटर वॉल्यूम में डिसॉल्व कर रहे हैं।
नाउ 8 डीएम क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे, यानी उसका वो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन मिला हमको है ना मोल पर डीएम क्यूब, आप इसका यूनिट लिख सकते हो मोल पर डीएम क्यूब। अब क्या करना है, केबी फॉर NH4OH दिया हुआ है आपको, वो कितना है 4×10⁻¹। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा निकालना है। अब अल्फा किसका निकालना है, वीक बेस वाला, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, अल्फा इज इक्वल टू केबी बाय सी। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा अल्फा इज इक्वल टू केबी रूट केबी बाय सी। अब हमको स्क्वायर रूट वाली बात आ जाएगी, यहां रूट निकालना पड़ेगा, चलिए उसका भी हम यूज करते हैं। अब अल्फा सब्स्टिट्यूशन कर लो, अल्फा इज इक्वल टू केबी अंडर रूट केबी, केबी की वैल्यू कितनी है 4×10⁻¹ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01/8, सही है, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। तो के बी बाई सी सब्स्टिट्यूशन में आ गया, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, 4×10⁻¹ × 8/0.01, सही है। तो अब ये क्या होगा, 8×8=32, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 32×10⁻¹/0.01। अब 0.01 को भी हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखे तो ये 0.01 को क्या लिख सकते हैं हम, 1×10⁻²। अब ये माइनस टू ऊपर चला गया तो अल्फा की वैल्यू आ गई, मैं थोड़ा सा बस आखिरी लिमिट तक के लिख रहा हूं है ना, 32×10⁻¹, सही है। माइनस टू ऊपर गया तो प्लस टू, तो ये माइनस एट हो गया। अब माइनस एट को बाहर निकाल देंगे आप तो क्या बनेगा, √32×10⁻¹. अब √32×10⁻¹, √32 का आंसर क्या होगा, यहां पर लिखता हूं मैं, √32 का आंसर ये है 5.656, अल्फा इज इक्वल टू 5.656×10⁻¹. दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, √32 का आंसर हमने बुक में से देख लिया। तो ये मिला आंसर हमें 5.656×10⁻¹ अल्फा का आंसर आ गया। तो ये तीन न्यूमेरिकल हमने कर लिए, यहाँ पर फॉर्मूला भी है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखा देता हूं। एक और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, ओके डन, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक छोटा सा फोर्थ वाला न्यूमेरिकल लास्ट आज के लिए। थोड़ा सा अलग है ये, कैलक्यूलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन कैलक्यूलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर वीक बेस, द केबी फॉर द
AB for weak base is 1.75 into 10 raised to minus 5. Okay, calculate the percentage dissociation. शुरुआत वहां से है तो हम गीवन भी उधर से ही करते हैं ना. गीवन में क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन यानी अल्फा परसेंटेज, ये हमें रिपोर्ट करना है ऑफ 0.01 मोलर वीक बेस. तो अब ये वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया 1 × 10⁻². के भी दिया हुआ है आपको 1.75 × 10⁻⁵. आपको रिपोर्ट करना है अल्फा परसेंटेज, तो पहले अल्फा निकालते हैं फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे हम. ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB by C. आ गया ये. अब इसका सब्सिट्यूशन करते हैं हम यहां पर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या सब्सिट्यूशन आ जाएगा हमारे पास, KB by C. KB है 1.75 × 10⁻⁵ और C तो बहुत इजी हो गया 1 × 10⁻². तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.75 × 10⁻². ऊपर गया तो +2 यानी ये क्या बच गया, -3 बच गया. अब -3 तो रूट साइन से बाहर नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये -4 करते हैं. -4 करना यानी डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर दो, तो 17.5 × 10⁻⁴. अब तो ये बाहर जा सकेगा रूट के, तो अंडर रूट ऑफ 17.5 × 10⁻⁵ ये अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, है ना, आ रहा है समझ में. तो मैं डायरेक्टली ये वाली स्टेप को इधर लिख देता हूं और थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेता हूं. तो अंडर रूट ऑफ 17.5, अंडर रूट ऑफ 17.5 इसकी वैल्यू है 4.183. 17 यानी 16 है, 16 यानी उसके आसपास आ जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा 4.183 × 10⁻². ये क्या हो गया, अल्फा हो गया. आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होना, तो इसका अल्फा परसेंटेज जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4.183 × 10⁻²·100 करेक्ट, इंटू 100 करेंगे. आपने इसे इंटू 100 किया तो अब क्या हो गया, 100 यानी क्या होता, 10⁻²−2. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 4.183 अल्फा परसेंटेज इंटू 10⁻²−2 इंटू 10⁻². तो अब ये हो गए कैंसल यहां से, तो अल्फा कितना परसेंट बना, 4.183% इज द फाइनल आंसर, दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन. परसेंटेज डिसोसिएशन इज 4.183. तो ये चार न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व किए, और इसमें क्या देखा हमने, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन फॉर्मूला, करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया पढ़ेंगे और ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, तो कल यानी कल देखते हैं, कोशिश करते हैं कल इसको फिर से हम शुरू करेंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.